दोस्तों नमस्कार। आज है 13 मई 2024 सोमवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल में कर्नल अजय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम मसालों में अजवाइन के ऊपर करेंगे चर्चा। दोस्तों शो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश के सभी अजवाइन उत्पादक राज्यों में उत्पादन की कमी और सीजन की शुरुआत में ही भाव अच्छे होने के कारण मध्यम और छोटे स्टॉकिस्टों सहित किराना बाज़ारों में माल का अधिक स्टॉक नहीं बताया जा रहा है। वर्तमान सीजन अब लगभग समाप्त हो रहा है और तथा अजवाइन का स्टॉक बड़े हाथों में बताया जा रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले कम बताया जा रहा है। गौरतलब है जहाँ तक गुजरात में गर्मी सीजन के माल की आवक को यदि हम कैलकुलेट करें तो पिछले साल के मुकाबले ये कम ही बैठ रही है। क्वालिटी भी कमज़ोर है, जिससे अगस्त महीने में एक निर्णायक मोड़ माना जाना चाहिए अजवाइन में। दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको मार्च महीने में ही अजवाइन में अच्छी तेज़ी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ था। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी व्यापारी को फ़ायदा नहीं होता है। समय से पहले यदि आप माल खरीदेंगे और समय पर उचित समय पर माल बेचेंगे तो ही मुनाफा मिलता है। यदि हम आवक पर नज़र डाल रहे हैं तो गुजरात की तरफ ले चलते हैं आपको, जहां ऊंझा में पिछले सप्ताह के दौरान 8 से 10 हज़ार बोरी की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं और एवरेज माल 9500 से 10500, मीडियम 11500 से 13200, मीडियम बैच 15 से 16 हज़ार और जामनगर की बात देखें तो वहां पर 10 से 12 हज़ार वीकली आवक की बात बताई जा रही है और एवरेज माल वहाँ 9500 से 11500, मीडियम 12500 से 13500, बढ़िया 17000 से 17500 बताया जा रहा है। गर्मी का जो मोटा दाना 18500 से 19500 और नीमच की बात करें तो वहाँ से 2 से 2500 बोरी गुजरात लाइन के माल की जो आवक का जो एवरेज भाव 13500 से 14000 है, मीडियम 15000 से 15500, बढ़िया 16500 से 17000 है। करनूल की बात करें तो वहाँ 400 बोरी की आवक की बात बताई जा रही है एवरेज और भाव 18500 से 19000, सफ़ेद माल अजवाइन का 19500 से 20000, बढ़िया 22000 से 23500 और के होने के व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। तेलंगाना के विकाराबाद, महाराष्ट्र के नंदुबार लाइन में आवक अब कम हो गई है या कुछ बिल्कुल नगण्य बताई जा रही है। तो दोस्तों ये था अजवाइन के ऊपर एक विशेष अपडेट, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब हम सौंफ के ऊपर भी हम कुछ अपडेट दे देते हैं। सौंफ के अंदर खबर निकल के आ रही है कि पिछले सप्ताह में एवरेज ग्राहकी की बात की जा रही है और अच्छा उत्पादन सौंफ में हो रहा है, उसकी खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं और सौंफ के भावों में गिरावट में अच्छा माल स्टॉकिस्ट खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी अपेक्षित है। गुजरात के ऊंझा में पिछले एक सप्ताह के दौरान 75 से 80 हज़ार बोरी की आवक बताई जा रही है और एवरेज सौंफ के दाम 8000 से 10000, मीडियम 15000 से 16000, बढ़िया 18000 से 20000 और आबू रोड की बढ़िया बारीक हरी सौंफ के दाम 28000 से 30000 बताए जा रहे हैं। आबू रोड बढ़िया बारीक ग्रीन 24500 से 25500 बताई जा रही है। यदि राजस्थान के सौंफ उत्पादक मंडियों या केंद्रों को देखें तो साप्ताहिक रूप से 15 से 16 हज़ार बोरी की आवक पर एवरेज भाव मीडियम 13500 से 14000, मीडियम बैच 15000 से 16000, बढ़िया 17500 से 18500 रहा और बारीक हरा 21000 से 24000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर भाव व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी अजवाइन और सौंफ पे पूरी जानकारी एक शो में। दोस्तों मसाले जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, चिरौंजी, कलौंजी, मखाना, बादाम, काजू, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है जो सहयोग राशि अदा करने पर मिल सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।